हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टूरिंग टू। और आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा मेरी टाटा टिकोर एक्जेड प्लस की परचेसिंग की स्टोरी। तो स्टोरी कुछ यूँ स्टार्ट हुई कि मैं और मेरी वाइफ कार खरीदने का सोच रहे थे। हमने सोचा कि पहले हमको कौन सी कार खरीदनी चाहिए, बिकॉज हम दोनों को ही ड्राइविंग नहीं आती थी। तो हमने सोचा कि यार पहले कुछ सेकेंड हैंड कार ले लेते हैं तो बेटर होगा। फिर लगा कि नहीं यार, सेकंड हैंड कार लेंगे तो उसमें फिर वापस से हम लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन है नहीं कि वो सेकंड हैंड कार कैसी आएगी कैसी नहीं आएगी। इसलिए हम लोगों ने वो प्लान को ड्रॉप किया एंड देन वी थॉट हम लोग न्यू कार ही लेते हैं। अब लगा कि न्यू कार में भी कौन सी लेनी है, तो न्यू कार में हम लोगों ने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले हम लोग कोई छोटी कार परचेस कर लेते हैं। तो हम लोग क्विड के शोरूम गए, हम लोगों ने क्विड को देखा। क्विड काफ़ी अच्छी लगी हम लोगों को, लाइक उसका जो डिज़ाइन है वो तो बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग है। लेकिन हम लोगों ने ऑलमोस्ट मन हमारा बना भी लिया था उसको कार को परचेस करने का, उस कार को देखने के बाद। उसका एवरेज भी काफ़ी अच्छा है एंड ऑल, और उस प्राइस मनी में लाइक हम लोगों ने उसका टॉप एंड वर्जन का लेने का सोचा था, कि जो कि उसका क्विड क्लाइंबर है वो हमको ऑलमोस्ट 6 लाख रुपीज़ का पड़ रहा था उस वक्त। हम लोगों ने सोचा वो हम ले लेंगे, बट रैदर फिर हम लोगों ने उस कार में बैठ के देखा तो उसकी सीटिंग हम लोगों को बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा एवरेज लगी। लाइक उसमें सीटिंग में उसका जो हेड था वो भी हम मतलब टच हो रहा था उसका टॉप मेरे सर से। तो लाइक हम लोगों को लगा कि नहीं यार ये कार नहीं जमेगी हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि यार ट्रिबर देख लेते हैं, बट ट्रिबर में अल्दो इट्स 7 सीटर कार, बट उसका इंजन का पावर जो था वो 999 हॉर्स पावर ही है, तो वो भी मुझे जमा नहीं एक्चुअली, HCC था। और देन हम लोगों ने सोचा कि यार क्यों ना हम लोग दूसरी कार भी देख लें। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना मारुति का शोरूम विजिट किया जाए और वहाँ देखी जाए कौन सी कार अवेलेबल है उस प्राइस रेंज में। तो हम लोग फिर मारुति के शोरूम गए, वहाँ पे हम लोगों ने बलिनो कार देखी। बलिनो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी हमको, बैठने में भी काफ़ी कम्फर्टेबल थी एंड ऑल। फिर ऑलमोस्ट हमारा बलिनो लेने का डन हो गया था कि बलिनो ही लेनी है, काफ़ी अच्छी लग रही थी। देन अचानक से लगा कि नहीं यार एक बार टाटा की कार भी देख ली जाए, बिकॉज टाटा ने अभी जो न्यू कार लॉन्च की थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो मेरी वाइफ ने सजेस्ट किया कि यार चलो एक बार टाटा की कार और देख लेते हैं, देन अगर टाटा की कार नहीं जमती तो फिर बलिनो को ही हम लोग फाइनल कर देंगे, बिकॉज हमारी फैमिली में और भी ले रखी है बलिनो। तो हम लोगों ने सोचा बलिनो ले लेंगे। देन हम लोग टाटा के शोरूम गए, देन टाटा की शोरूम में जाके हमने देखी अल्ट्रोस। तो अल्ट्रोस काफ़ी अच्छी थी, उसका इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा लगा, और डिज़ाइन वाइज देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छी थी। और उसकी बिल्टअप क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो वो बलिनो से फार फार बेटर है। फिर हम लोगों ने फाइनल किया कि यार हम लोग अल्ट्रोस ले लेंगे। फिर अल्ट्रोस में क्योंकि उस वक्त कार में गोल्डन कलर ही अवेलेबल था शोरूम में, तो हमने बात किया शोरूम के सेल्समैन से कि लाइक अगर कोई और भी कलर हो इसमें तो हमको दिखाइए पहले, ताकि हम लोग हमारा कलर फाइनल कर पाएँ। तो देन ही टोल्ड अस कि चलो आप गोडाउन में चलो, मैं आपको और कारें भी दिखाता हूँ दूसरे कलर्स में। देन हम उसके गोडाउन में गए, तो गोडाउन में हम अल्ट्रोस को मतलब उसका डीप रेड कलर भी देखा और जो दूसरे कलर्स आ रहे हैं वो भी सब भी देखे। लाइक अचानक से हमको टाटा टिगोर दिखी, तो फिर मेरी वाइफ ने बोला कि यार ये कौन सी कार है। देन आई सेड यार ये टाटा टिगोर है, और जितने में अल्ट्रोस आएगी उतने में तो ये टाटा टिगोर भी आ जाएगी। देन आई सेड कि अल्ट्रोस हम लोग लेंगे तो उसमें थोड़े से पैसे और मिलाएंगे तो हमको टाटा टिगोर का टॉप एंड वर्जन मिल जाएगा ऑटोमेटिक। तो मेरी वाइफ ने बोला कि यार हम लोग ये क्यों नहीं परचेस कर रहे हैं, लाइक इसमें हम लोगों को सेडान मिल रही है कार इतने कम पैसों में, तो वाई आर यू नॉट परचेसिंग दिस कार। फिर हम लोगों ने उस वक्त ही डिसाइड किया कि हम लोगों को टाटा टिगोर लेनी है, ये बैठने में हमको बहुत कंफर्टेबल लगी और जो हम लोगों को चाहिए था बेसिकली वो ये कार हमारी डिज़ायर फुलफिल कर रही थी। देन एट द सेम मोमेंट वी डिसाइड कि हमको टाटा टिगोर के लिए ही जाना है, विदाउट नोइंग इट्स फीचर्स एंड ऑल। वी जस्ट लाइक इट्स लुक एंड वी थॉट नाउ इट्स दिस इज द कार वी वांट टू परचेस। फिर हम लोगों ने सेल्समैन से भी काफ़ी इसकी इंफॉर्मेशन ली ऊपर जाके, और इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इसका मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है। लाइक इसका सर्विस सेंटर में जो कॉस्ट बनता है वो भी काफ़ी कम बनता है दूसरी कार के कंपेरिजन में। देन आई थॉट दिस इज़ द कार वी वॉन्ट टू परचेस। सो ये है मेरी एक छोटी सी ब्रीफ। देन हम लोग शोरूम में गए वापस, और हमने सेल्समैन को बोला कि हम लोगों को मतलब यही कार परचेस करनी है। और उस वक्त हमने घड़ी में टाइम देखा तो ऑलमोस्ट इट वाज ऑलमोस्ट 10, लाइक वो 8:30 बजे शोरूम बंद कर देते हैं, लेकिन हमको कार दिखाने के चक्कर में उन्होंने 10 बजे उनका ऑफिस ऑन रखा, और फिर 10 बजे हमने मतलब वी वर द लास्ट
हमने उस वक्त कार को खरीदने का सोचा और इसे हमने फाइनलाइज किया उसी दिन। सो दिस इज़ आर स्मॉल स्टोरी ऑफ दिस टाटा टिगोर कार परचेसिंग। थैंक यू।